सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में नक्सली स्थिति पर गौर करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे ये भी कहा कि पिछले 9 महीनों में कई मुठभेड़ हुई है, जिनमें 194 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। मोदी की गारंटी को पूरा करने का सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है, वो सबसे उनको अवगत कराया और भावी जो योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ वो सबसे उनको अवगत कराया। और आज जो नक्सल प्रभावित प्रदेश है और नक्सल समस्या से एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन था यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में, जिसमें नक्सल प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वहाँ के सीएस, डीजीपी और अधिकारी और हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय सचिव सभी उपस्थित थे और अच्छी समीक्षा हुई है। और उसमें जो हम लोगों ने 9 महीने में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी है, डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिला है और 9 महीने के अंदर ही अनेक मुठभेड़ हुए हैं, जिसमें से 194 नक्सली मारे गए हैं हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा। और लगातार हमारे सुरक्षा बल और अधिकारी साहस दिखा रहे हैं, उनका बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। और 9 महीने के अंदर में 801 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा से अच्छा उनको सुविधा दें। और हमारे गृह मंत्री जी और डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं विजय शर्मा जी, ये कई जगह जा रहे हैं, असम भी गए थे कि पुनर्वास नीति वहां की कैसी है, कैसे उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दे सकते हैं। तो इस पर भी मतलब हम लोग अवगत कराए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मतलब जो नक्सली हैं वो गोलीबारी की भाषा को छोड़ के आत्मसमर्पण करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़े। तो उनको प्रधानमंत्री आवास से लेकर, अभी 2 दिन पहले ही हम बीजापुर गए थे और वहां पर 70 लोगों को नियुक्ति पत्र दे के आए हैं, जो नक्सल पीड़ित परिवार के थे उनको नौकरी लगाए हैं। इसके पहले भी कुछ लोगों को नौकरी दिए हैं। तो लगातार सरकार उनके साथ क्या अच्छा से अच्छा कर सकती है उसका प्रयास